तो हमने कहा कि जनाब, सबसे पहले हमने कहा म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक क्या होता है? इसमें एक बुलियन वेरिएबल होता है, जैसे कि हमने अभी बात की कि बुलियन वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हम सेट करते हैं। और एक फंक्शन होता है एक्वायर, एक होता है रिलीज। एक्वायर फंक्शन उस बुलियन वेरिएबल को एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है, और रिलीज वेरिएबल उसकी वैल्यू को रिलीज करता है, ठीक है। यानी ये जो एक्वायर का फंक्शन है वो कहाँ पे कॉल होगा? एक्वायर का फंक्शन क्रिटिकल सेक्शन से पहले कॉल होगा, और रिलीज का फंक्शन क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर लेगा जब प्रोसेस, तो उसके बाद वो रिलीज का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो एक्वायर में क्या कर रहे हैं हम? अवेलेबल का जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम फॉल्स कर रहे हैं, सही है। ये क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है या नहीं है? अगर अवेलेबल होगा तो ये जो वेरिएबल है अवेलेबल के नाम से ये ट्रू होगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये वेरिएबल होगा फॉल्स। तो जिस प्रोसेस को भी इस ये लॉक एक्वायर हो जाता है वो अवेलेबल को फॉल्स कर देता है, फिर अपना काम करता है क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर रिलीज करते हुए अवेलेबल को ट्रू कर देता है, सही है। ये म्यूटेक्स लॉक है, सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, सबसे आसान, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम थी? हमने जो पिछले हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो पढ़े थे उनमें जो बिजी वेटिंग की प्रॉब्लम थी वो म्यूटेक्स लॉक में भी आ रही है, इस सिंपल मैकेनिज्म में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक और तरीका फिर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक और तरीका क्या होता है जिसे हम कहते हैं सेमाफोर। सेमाफोर क्या होता है? सेमाफोर में सिंपली एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल, और उसकी वैल्यू को हम सेट करते हैं, ठीक है। अब सेमाफोर में जो ये शेयर्ड वेरिएबल है ना, सेमाफोर जिसे हम कह रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल है, इसे हम रख लेंगे एस। अब इस एस की वैल्यू को दो ऑपरेशंस एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑपरेशन, अगेन वही रिक्वायरमेंट है हमारी, ये दोनों एटॉमिक ऑपरेशन है। अब जो भी प्रोसेस आएगा वो वेट या सिग्नल कॉल करेगा, सही है ना। यहाँ पे बताया हुआ है कि वेट और सिग्नल जो प्रोसेसेस हैं, सॉरी ऑपरेशंस हैं, वेट ओरिजिनली या हम प्रीवियस कोड में पी के तौर पे देख चुके हैं वेट को, और सिग्नल को हम वी के तौर पे देख चुके हैं। यानी जब कोई प्रोसेस पी कॉल करता है तो वो एक्चुअली वेट कॉल कर रहा होता है, जब वो वी कॉल करता है तो वो सिग्नल कॉल कर रहा होता है, ठीक है। और वेट और सिग्नल की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो क्या होगी? सेमाफोर एस वेरिएबल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि अच्छा, यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस भी करते हैं कि एस की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर वेरिएबल जो है उसकी में नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, सही। तो यहाँ पे हमारी कुछ अजम्पशंस एस के बारे में क्या होंगी कि अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि सेमाफोर इज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहीं मेंशन कर लेते हैं कि एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सेमाफोर अवेलेबल है, यानी कि रिसोर्स अवेलेबल है। और अगर एस की वैल्यू जीरो है या नेगेटिव में है तो फिर इसका मतलब है कि रिसोर्स यूज में है, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम रिसोर्स इन यूज। तो यहाँ वेट का जो प्रोसेस है ना, वेट का जो ऑपरेशन है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है? सेमाफोर को की वैल्यू को चेक करवा रहा है। कब तक वेट करेगा ये? जब तक कि सेमाफोर की वैल्यू लेस देन जीरो या जीरो है तब तक ये वेट करेगा। यहाँ पे भी वही स्टाइल है। देखें, ये जो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है कि यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, बिजी वेटिंग करवा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, और जो है जैसे इसकी वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी या एक्सेसिबल होगी तो फौरन यहां से एग्जिट करेगा। और एस की वैल्यू में देखें वेट जो है ना वो डिक्रीमेंट करता है, और सिग्नल जो है ना वो एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट करता है। तो इसकी रीजन क्या है, अभी हम इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं कि डिक्रीमेंट करने की रीजन क्या है और इंक्रीमेंट करने की रीजन क्या है। इनिशियली जो है ना हम एस की वैल्यू कुछ सेट कर सकते हैं, लेट्स से हम इसको इस तरह से समझेंगे कि एस की वैल्यू को हम इनिशियली कुछ रख लेंगे, जैसे कि टू रख लेंगे, थ्री रख लेंगे या वन रख लेंगे, और फिर हम इस पे ऑब्जर्व करेंगे कि एस की वैल्यू रखने से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना।
असल चीज बस फिलहाल आपको क्या समझनी है, फिलहाल आपको ये समझनी है कि जो वेट का प्रोसेस ऑपरेशन है ये क्या करता है, ये डिक्रीमेंट करता है, सही है, और सिग्नल जो है वो इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि सेमाफोर हमारे पास एक वेरिएबल है ना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू में या तो डिक्रीमेंट होगा या फिर इंक्रीमेंट होगा, सही है। और यही दोनों प्रोसेसेस, यही दोनों ऑपरेशंस जो है वेट और सिग्नल के ऑपरेशन, यही सेमाफोर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसमें इंक्रीमेंट करेंगे या उसमें डिक्रीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वही अगर इस तरीके से वेट और सिग्नल को इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सही। तो अब हम इसको लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करते हैं, इससे क्या होगा।